हेलो, आज मैं आपको हिप्नोसिस के बारे में बताने वाला हूं। सम्मोहन क्या है कि सम्मोहन के बारे में काफी सारी गलत फहमियां लोगों में हैं। एक तो सम्मोहन करने से या हिप्नोटिज्म करने से लोगों के मन की बातें जाने जाती है, फिर औरतों को बहकाया जाता है या खिसे में के पैसे निकाले जाते हैं या दिमाग का सिगरेट निकाले जाता है, मतलब ऐसी सारी काफी सारी बातें, अफवाहें या गलत फहमियां सम्मोहन के बारे में लोगों में है। एक्चुअली क्या है कि सम्मोहन एक विद्या है, ये साइंटिफिक है। तो ये क्या है ये आपको बताता हूं। उसके पहले आपको जानना होगा कि माइंड के बारे में, कि भाई माइंड क्या है, मतलब मन क्या है। तो मन की दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो है कॉन्शियस माइंड और दूसरा जो हिस्सा है इसको सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड ऐसा बोलते हैं। अब हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये मतलब एक ही है ऐसा समझ के भी चलते हैं। तो एक है कॉन्शियस माइंड, उसके नीचे समझो है अनकॉन्शियस माइंड। और आपको पता है कि जैसा एक बर्फ की चट्टान समझो समुद्र में है, तो वो बर्फ की चट्टान का ऊपरी हिस्सा जो पानी के ऊपर दिखता है वो 1 दशमलव उतना रहता है अपना कॉन्शियस में, और पानी के नीचे जो बर्फ रहता है वो रहता है 90%। तो वो है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में। अब सम्मोहन में होता क्या है कि सम्मोहन में हम कॉन्शियस माइंड को थोड़ा अल्टर्ड सेंसोरियम में डालते, मतलब कॉन्शियस माइंड को विचलित करते, उसको थोड़ा बाजू में कर देते, उसका थोड़ा ख्याल इधर उधर कर देते, उसको सुला देते, उसको रिलैक्स कर देते, ताकि सबकॉन्शियस माइंड के साथ में हम बातचीत कर सके। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही सजेस्टिबल रहता, हमको जो चलाता है रोज वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है जो 90% है, और वो पूरा कंट्रोल जो है सबकॉन्शियस माइंड का हमारे बॉडी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को चलाते, जैसे हमारी सांस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड चला रही, हमारा जो पाचन संस्था है सबकॉन्शियस माइंड चला रही, काफी सारी बातें मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही चलाता है। कॉन्शियस माइंड जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको डायरेक्शन देता है। मतलब एक ऐसा मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल आपको बताना है, तो जैसा एक रेस का घोड़ा है, तो एक घोड़ा है, घोड़े के ऊपर घोड़सवार है, तो घोड़सवार जो है वो कॉन्शियस माइंड, और घोड़ा जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी भी बिलीफ सिस्टम, जितने भी विश्वास, जो भी विचार वहां बैठे हुए हैं, वहां से हमारी पूरी जिंदगी चलती, वहां से हमारी पूरी दुनिया चलती। तो जो भी हमको बात बोलनी है किसी से, तो होता यह है कि कॉन्शियस माइंड जो है वो लॉजिकली थिंकिंग करता है, रैशनली थिंकिंग करता है। मतलब मैंने समझो आपको बताया, देखो यहां सांप है, सांप, तो आप कॉन्शियस माइंड क्या बोलेंगे, कहां सांप दिख रहा है, सांप तो कहीं नहीं है, आप तो ऐसी बात कर रहे, तो ऐसा कॉन्शियस माइंड बोलेगा। तो उसको लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, वैसा वो रैशनली काम करता है, लॉजिकली काम करता है। मगर मैंने कॉन्शियस माइंड को बाजू में हटा दिया या उसको सुलझा दिया, और फिर सबकॉन्शियस माइंड के, आपकी सबकॉन्शियस माइंड से मैंने बात किया और फिर बोला कि देखो ये सांप है, तो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे ये सांप। मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही सजेस्टिबल है। अब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर डालना है उनको, और वो एक बार उसके अंदर वो जो थिंकिंग प्रोसेस जो है उसमें हमने कोई थॉट्स डाल दिए, कोई विचार डाल दिए, कोई बिलीफ डाल दिए, तो फिर वहां से पूरा हमारा जीवन कंट्रोल होता है, हमारा पूरा बिहेवियर कंट्रोल में आता है, और फिर सम्मोहन में वही होता है। सम्मोहन में हम सबकॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते, सूचनाएं देते, और वो सूचना देके बार बार उसके ऊपर हैमरिंग करके
एक बार उसके अंदर वो घुस गया, वो थॉट घुस गया, वो विचार घुस गया, वो बिलीफ घुस गया, फिर वहां से वो एक्शन करना चालू कर देता है। अब देखो ना क्या होता है, हम जब हमारे रूटीन रोज के जीवन में, जैसे हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हैं, देखते हैं हम जो क्रिकेट की मैच देखते, और क्रिकेट की मैच देखते देखते हमारा यानी बहुत ही मतलब ऐसा बहुत इंटरेस्ट वाला विषय क्रिकेट है, और हम टीवी में देख रहे आखिरी के 10 ओवर बचे हैं, तो हम उसमें पूरा तल्लीन हो जाते, उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमको पता भी लगता नहीं है कि भाई वो मतलब एक घंटा कैसे गया, हमारा उसमें कॉन्शियस माइंड ऐसा रिलैक्स हो जाता है और पूरा ख्याल उसके तरफ रहता है। उस समय फिर वो डालते एडवर्टाइजमेंट, काफी सारी एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आती रहती है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बार 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 हैमर करती है, वो एडवर्टाइजमेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाती है, और फिर वहां से हमको ऐसा लगने लगता है कि हमने वो चीज खरीदना चाहिए जो भी वो मार्केट कर करके। तो अभी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभाव डालने के लिए, उसके ऊपर उसके उसके अंदर वो थॉट घुसाने के लिए सम्मोहन का इलाज हम करते रहते, सम्मोहन उपचार, वे जो भी बिहेवियर हमको नहीं चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझ के चलो कि सिगरेट पीने का है। अब सिगरेट पीना है, जो व्यक्ति को जो सिगरेट की तलफ आती है, सिगरेट का जो जिसको जिसको नशा आती है या सिगरेट का जो आदि है, उसको समझता है कॉन्शियस माइंड को कि भाई मैंने सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, सिगरेट पीने से कैंसर होने की संभावना अधिक है, मगर तभी भी सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट इतना पक्का बैठा हुआ है, विचार इतना पक्का बैठा हुआ है कि वो व्यक्ति शाम को या दोपहर को या सवेरे अचानक से उसको मन में आ जाता है और वो सीधा पान की दुकान पे चले जाएगा, वहां से सिगरेट खरीद के लाएंगे और सिगरेट पिएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है, तो हम क्या करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को ही सूचनाएं बार 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 देके उससे वो काम करवाते कि सिगरेट पीने की इच्छा आपको कम कम होती जाए, क्या सिगरेट पीने की तलफ जो है वो आपको कम कम होती जाए, ऐसा उसको सूचनाएं देते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, और फिर वहां से वो कॉन्शियस माइंड को फिर एफेक्ट करता है, उसके ऊपर परिणाम करते रहते। तो ये है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। सम्मोहन में ये होता है कि भाई हम उसको मतलब कॉन्शियस माइंड को सुला के सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करना। अब इसका उपयोग कैसा होता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास में कुछ लोग आते हैं कि जिनको सरदर्द की बीमारी है, अब सरदर्द उसके डीप रूटेड सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ टेंशन की वजह से या कुछ विचार चलते रहते हैं उसकी वजह से, वो टेंशन आते रहता है, उसकी वजह से उसको सरदर्द होते रहता है, तो हम उसको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करने की सूचनाएं देते हैं, या जो भी सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है उसको सूचनाएं देना, उसको सजेशंस देना, और उसके वजह से फिर वो उसका सरदर्द निकल जाता है। या कोई ऐसी कोई बीमारी है कि जो अतीत के कोई क्षण ऐसे हो गए, कोई कहानी ऐसी अतीत में हुई, कोई घटना ऐसी अतीत में हुई, तो ये दिमाग में बैठ जाती है और फिर वहां से उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है, तो उसमें हमको हिप्नोटाइज करके सम्मोहित करके उसको उसके अतीत में पीछे पीछे ले जाना पड़ता है, और पीछे पीछे उसको अतीत में ले जाके कौन सी घटना हुई, कौन से घटना से विचलित हो गया, कौन से घटना से वो दुखी हो गया, वो जान के उसके ऊपर वो सजेशन देके उसको वो घटना से बाहर निकालना, और उसका फिर सरदर्द बोलो या उसकी नींद जो नहीं आती वो बोलो, या जो भी उसको तकलीफ है वो अच्छी होती रहती है। बच्चों के पढ़ाई में सम्मोहन का उपयोग होता है कि बच्चे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते, काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, उसमें सम्मोहन का उपयोग होता है। काफी सारी जो मनोशारीरिक बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए हिप्नोटिज्म का उपयोग होता है। अभी देखो टीवी में जो कुछ कुछ कारण मतलब कुछ कुछ बताते हैं प्रोग्राम्स, तो कुछ कुछ प्रोग्राम में ऐसा होता है कि वो उनके लोग मतलब ऑडियंस में प्रेक्षक गृह में बिठाते हैं और उनको उठा के ले आते, बोलते हो सम्मोहित हो गया, वो तो मतलब बनावटीपना है। मैं जब प्रोग्राम करते रहता हूँ तो हम क्या करते हैं प्रोग्राम में कि ऑडियंस में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें से कोई लोग हम बाहर मतलब ये स्टेज के ऊपर उनसे बाहर निकालते हैं, स्टेज के ऊपर बुलाते हैं, फिर मेरा काम यह रहता है कि उसमें से सजेस्टिबल कौन, क्यों क्या होता है कि 25% 25% लोग जो है वो पहले झटके में पहले इसमें सम्मोहित हो जाते हैं। तो मुझे वो भी जानने का है कि ये जो लोग 500 लोग बैठे हुए सामने, उसमें से ऐसे कौन से लोग हैं कि जो पहले ही एक्सपेरिमेंट में पहले प्रयोग में एकदम गहरी सम्मोहन अवस्था में गए। तो मैं उनको क्या करता हूँ कि उनको आंखें बंद करने की टेस्ट रहती है, आईलिड कैटालेप्सी टेस्ट बोलती, उनको मैं वो टेस्ट देता हूँ। फिर कुछ लोगों को हाथ चिपकने की टेस्ट रहती है, हैंड क्लास्प टेस्ट बोलते, वो टेस्ट देता हूँ। और फिर वो टेस्ट में जो पास हो गए, जिनके हाथ चिपक गए, जिनकी आंखें चिपक गई,
मैं समझता हूँ कि ये पक्का हिप्नोटाइज हो सकते हैं डीपली, और उनको फिर हम स्टेज पे रुकाते हैं और उनके ऊपर अलग 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 प्रयोग करके बताते हैं। तो ऐसा हमारा जो बिलीफ है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रयोग करके लोगों को बताता हूँ कि हिप्नोटाइज हुआ, फिर उसके सामने एक पत्थर रखता हूँ 2 किलो का, उसको बोलता हूँ कि आपके सामने एक 100 किलो वजन का पत्थर रखा हुआ, आपके हाथ जो है वो पूरे शक्तिहीन हो गए, पैरालाइज हो गए, आपके सामने जो 200 किलो वजन का पत्थर रखा हुआ है आप कोई भी हालत में उठा सकेंगे ही, असंभव है आपको उठा नहीं पाओगे, ऐसे उसको सूचना है यकम। वो आदमी इतनी ताकत लगाता है और ताकत लगा के, क्योंकि उसके हाथ में ताकत रहती नहीं है, वो ताकत लगा के देखता है उसको, वो पत्थर उठाते नहीं आता। फिर मैं जो 2-3 लोग सम्मोहित होते उनको सबको बुलाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि देखो अभी आप सब मिलकर कोशिश करो, वो सब मिलकर कोशिश करते हैं और वो 2 किलो का पत्थर वो उठा नहीं सकते। फिर मैं उनको सूचना देता हूँ कि अभी आपका हाथ है, आपके हाथों में ताकत वापस आ गई है, ये जो पत्थर है वो फूल जैसा हल्का है, अभी उठा लो, वो फटाक से उठा लेते। अभी इसका इस्तेमाल कैसे, उपयोग कैसे है? तो जब हमारी बिलीफ है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे यह संभव नहीं है, सक्सेस सफलता तो मेरे नसीब में ही नहीं है, सफलता तो मुझे मिल सकती नहीं है, ये जो अपने आप को रोज हम सम्मोहित करते रहते, अपने आप को रोज सूचनाएं देते रहते, अपने अंदरून दिमाग को हम सूचना देते रहते, सबकॉन्शियस माइंड को हम सूचना देते रहते हैं, तो हम लोगों को ये प्रयोग करके एक्सपेरिमेंट करके उनको बताते हैं कि भाई ये आप अपने आप को निगेटिव सूचनाएं मत देते जाओ, हरदम पॉजिटिव सूचनाएं दो। और फिर सवाल आता है कि फिर लोगों ने घर में क्या करना, घर में आप स्वसम्मोहन कर सकते, सेल्फ हिप्नोटाइज, और सेल्फ हिप्नोटाइज करके खुद ने खुद को सम्मोहित करना और सूचनाएं देना अपने सबकॉन्शियस माइंड, और फिर वो सबकॉन्शियस माइंड को अपने रोज के कामकाज में लाना। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो गलत बिलीफ सिस्टम है, जो गलत थॉट्स है या नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसको निकाल के उसमें पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव सूचनाएं, पॉजिटिव बिलीफ डालना और उसमें मोटिवेशन इंस्पिरेशन डालना, ताकि वो कोई भी काम आसानी से कर सके। तो यह है सम्मोहन उपचार, हिप्नोटिज्म। हमारे पास में काफी लोग आते हैं कि जो काफी उनको गुस्सा आता है, फिर सर दर्द होते रहता है, नींद नहीं आती, फिर पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, पढ़ाई याद नहीं रहती है, फिर बैकएक है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, पूरे बदन में दर्द होते रहता है, तो ऐसी और टेंशन है, या IBS इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, मतलब काफी बार लैट्रिन लग जाना, तो वो लोग आते हैं, तो ऐसी काफी सारी बीमारियां जो है उसको लोगों को चिंता रोग रहता है, फिर हिस्टीरिया की फिट्स आती है, डिप्रेशन है, फिर फोबिया है, मतलब दुर्भीति या बहुत बहुत ज्यादा भय लगना, भयगंड, या वो मंत्र की बीमारी रहती है, हाथ पैर बार बार धोना या बार बार वही विचार करना, मतलब ये सब बीमारियों के लिए सम्मोहन उपचार एक बहुत अच्छा उपचार है। हिप्नोटिज्म और ये हिप्नोसिस करके, हिप्नोटिज्म करके, हिप्नो काउंसिलिंग करके वो पूरा अच्छा हो सकता है। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमारे वेबसाइट के ऊपर है, मेरे कई सारे वीडियोज है, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, उसको शेयर करो, लाइक करो, उसको वो चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे, वैसे ही फेसबुक को जो है, मेरा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करो, और बाकी भी मतलब आपको जो चाहिए तो वो आपको जानकारी यूट्यूब या हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल सकती है, और आप मुझे पर्सनली व्यक्तिगत आप हमको कॉल कर सकते हैं और आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारे बारे में लोगों को आप यदि बोलते हैं तो जिनको भी यह प्रॉब्लम है वो लोग भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय। आज मैं आपको अपना जो अचेतन मन है, अव्यक्त मन जो है, या सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसके पावर को कैसे यूज करना, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे मन के 2 भाग होते रहते, हमारे मन के 2 भाग है, एक जो है उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है
वो 1.2 और सबकॉन्शियस माइंड है 9.2, मतलब 10% जो है वो कॉन्शियस माइंड, 90% जो है वो है सबकॉन्शियस माइंड। और आपको समझाना है तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा समुद्र में एक बर्फ की चट्टान रहती है तो उसका 10% हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर रहता है और 90% हिस्सा जो रहता है वो है पानी के नीचे। तो पानी के ऊपर दिखने वाला जो है वो है कॉन्शियस माइंड और पानी के नीचे जो रहता है वो है सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा समझ लो। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें पूरा कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड या लॉजिकल है, मतलब कौन सी चीज करना नहीं करना, वातावरण में ये संभव है नहीं है। और कॉन्शियस माइंड को अनेक इच्छाएं रहती है, अनेक विशेष है, नीड है, गरज है, वांट है कॉन्शियस माइंड को। और कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सबकॉन्शियस माइंड को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है, मगर हमको पूरा कंट्रोल करने वाला, बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। जैसा हम काफी बार बोलते कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं करना चाहिए, मगर जो हो जाता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल गुस्सा, गुस्सा आने के बाद में गुस्से आने वाला जिसको गुस्सा है वो आदमी बोलता है हाँ मेरी बहुत इच्छा थी, मेरी बहुत इच्छा भी है तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मगर क्या करूं वो वक्त आ गया ना तो मैं गुस्सा कर लेता। तो होता क्या है कि गुस्सा नहीं करना ये इच्छा कॉन्शियस माइंड को रहती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर वो समय आ गया और एकदम रिएक्ट हो जाना जब होता है, ब्रेन जब रिएक्ट करता है, अनकॉन्शियस माइंड रिएक्ट करता है और फटाक से एकदम वो गुस्सा कर लेगा। लोग बोलते कि नहीं मेरी बहुत इच्छा रहती है कि सुबह उठना और एक्सरसाइज करना या कहीं घूमने निकल जाना और मुझे मेरा वजन कम करना, इच्छा तो बहुत है, मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आखिर करने देगा नहीं यदि उसको वो हैबिट नहीं है तो, या उसकी इच्छा नहीं। तो कॉन्शियस माइंड चाहता है कि वजन कम होना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि सिगरेट बंद करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। कॉन्शियस माइंड चाहता है कि सवेरे उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता। मतलब हमको कंट्रोल कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो भी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हमने कंट्रोल में लाना, मतलब कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में कैसे लाना? तो कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में, कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल में लाने के लिए तीन तरीके। जैसे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ हमने यदि कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई थॉट्स डाल दिए सबकॉन्शियस माइंड ने और वो वहां जाके पक्के बैठ गए तो सबकॉन्शियस माइंड फिर वो मुताबिक काम करता है। अब देखो सबकॉन्शियस माइंड, समझो हमने पकड़ा कि एक मकान है, तो कॉन्शियस माइंड बाहर बैठा हुआ पहरेदार, पहरा देने वाला। अब किसको अंदर जाने देना और किसको अंदर जाने देने का नहीं, वो जो सिक्योरिटी पर्सन है पहरेदार वो देख रहा है। अब ये कॉन्शियस माइंड को मतलब बाजू करके या कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, रैशनल थिंकिंग करता है, वो अंदर नहीं आने देंगे थॉट्स को, तो फिर उसके लिए क्या करना है? कॉन्शियस माइंड को यदि हम बोल सके और कॉन्शियस माइंड यदि परमिट किया तो फिर वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा। एक बार वो सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया, कोई भी चीज चली गई सबकॉन्शियस माइंड तक, तो फिर अपने बिहेवियर पे उसका असर आ जाएगा। तो फिर हमारा मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मकसद ये होना चाहिए वही सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे भी करके पहुंचे, ताकि अल्टीमेटली वो कंट्रोल करता है। फिर अभी उसके लिए क्या करना है? उसके लिए यदि कोई अथॉरिटी वाला आदमी, जिसको अथॉरिटी है, वो यदि आदमी कुछ बोलता है वो व्यक्ति को, तो व्यक्ति मान लेता है, क्योंकि अथॉरिटी वाला पर्सन जो बोलता है वो सीधा कॉन्शियस माइंड को बाजू में करके सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाता है। मेरा एक दोस्त मुझे मिला था, वो डॉक्टर नहीं है, वो कहीं कर्मचारी है, और वैसे मैं अथॉरिटी हूं, मैं डॉक्टर हूं, वैसे मुझे मिला, बोले गले में कुछ तो भी दर्द हो रहा है, और रास्ते में मिला तो मैं मजाक मजाक में बोला था कैंसर होगा, तपास करना पड़ेगा। वो कॉन्शियस माइंड को छेद करके वो उसके सबकॉन्शियस माइंड तक चले गया, वो इतना घबरा गया 2 दिन तक उसको नींद नहीं आई। बाद में मुझे बोल रहा था कि उस दिन आपने बोल दिया कि देखो कैंसर तो नहीं हुआ, मुझे नींद नहीं आई, मैंने सब टेस्ट करवा ली। मतलब जब अथॉरिटी बोलती है कोई, तो वो कॉन्शियस माइंड को बाजू करके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं।
इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इसका हम इस्तेमाल ये कर सकते हैं कि भाई जैसा हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ में रह के उनके विचार लेके उनके चरित्र पढ़ के उनके वीडियोस उनके बुक्स पढ़ के है ना, हमारे सीधा मतलब वो अथॉरिटी है सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकते, एक वो हो गया। दूसरा, यदि हम बार 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 कोई चीज हैमर करते तो फिर कॉन्शियस माइंड वो हैमरिंग को सबकॉन्शियस माइंड तक जाने दे। बार बार यदि हैमरिंग करते, फॉर एग्जाम्पल समझो आप जा रहे हैं और हम तो हॉस्टल में काफी बार ऐसी मजाक करते रहते थे जब हम हॉस्टल में पढ़ा करते थे तो भाई कोई चार लोग मिलकर हम ये करते थे, तय करते थे कि एकाधे व्यक्ति को बीमार गिराना है और वो बीमार होना चाहिए। तो कोई वहां से आता है बोलते क्यों रे क्या हो गया, तेरा चेहरा उतर गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, पूछ लिया कि कुछ हुआ तो नहीं है? तो नहीं, कुछ तो नहीं हुआ। फिर दूसरा उसको व्यक्ति मिल जाता है, दूसरा दोस्त, बोलता अरे राजू तुझे क्या हो गया, नींद नहीं आई क्या, चेहरा क्यों लटका हुआ फिर रहा, क्या हुआ? करता कुछ तो नहीं हुआ, मगर उसको पहला इंस्ट्रक्शन सजेशन अंदर गया, दूसरा अंदर गया, फिर तीसरा उसको दोस्त मिलता है, वो भी उसको ऐसा कुछ पूछ लेता है तू खाना नहीं खाया क्या, क्या हुआ? उसको लगता है कुछ तो नहीं हुआ मगर ये लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे कुछ तो भी हुआ होगा। चौथा, वो उसको बोलने के पहले ही वो अपने कमरे में जाके सोता सो जाता था। मतलब हमारा माइंड ऐसा रहता है कि कॉन्शियस माइंड के ऊपर यदि बार 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 हैमरिंग आपने किया तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाता है। तभी इसका इस्तेमाल कैसे करते, इसका इस्तेमाल देखो, सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिव बातें बहुत रहती है, निगेटिव बैगेज बहुत है। अभी यदि बार 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 हम विजुअलाइजेशन करके, हैमरिंग करके, बार 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 हम बोल के अफर्मेशंस करके यदि कोई चीज कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में डालता है तो उसका फर्क सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ेगा। तो हमको हमारे में ही बदलाव लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन के माध्यम से बार 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 कल्पना चित्र डालना सबकॉन्शियस माइंड, अफर्मेशंस के जरिए बार 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 सबकॉन्शियस माइंड में डालना ताकि उसका अच्छा असर सबकॉन्शियस माइंड में हो जाए। कुछ भी हमको बताने का है तो जैसा समझो सिगरेट छोड़ने के, तो यदि बार 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 वो अफर्मेशंस करता है, विजुअलाइजेशन करता है तो वो निकल मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड तक जा सकता है। तीसरा जो है वो है सम्मोहन के माध्यम से, हिप्नोटिज्म के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें पहुंचाना या थॉट्स पहुंचाना या बिलीफ पहुंचाना। और हिप्नोटिज्म में होता क्या है कि कॉन्शियस माइंड को बाजू में किया जाता, रिलैक्स किया जाता और डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड को सूचनाएं दी जाती, सजेशंस दी जाती है ताकि वो अफर्मेशंस जो है वो खुद ने देना है सेल्फ हिप्नोटिज्म में, या बाहर का जो हिप्नोटिस्ट है वो हिप्नोटाइज करके वो उसको बार 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 सजेशन देगा और सबकॉन्शियस माइंड तक वो पहुंचाएगा। देखो ना हमारे एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, हमारे एडवर्टाइजमेंट में ये होता है टीवी के कि बार 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 जब वो हैमरिंग करते रहते हैं तो इतने इतने बार हैमरिंग होता है, इतने बार वो जाहिरात बता देंगे तो हम जाके फिर वो चीज खरीद लेंगे। या देखो ना कोई भी पोस्टर्स है, वो इतने जगह पोस्टर लगाते हैं, काफी जगह पोस्टर लगाते हैं हमारे ऊपर, दिमाग के ऊपर बार 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 हैमरिंग होते रहता है, हमको ऐसा लगता है कि हमने भी वो चीज खरीदनी चाहिए या हमने वो काम करना चाहिए। तो सबकॉन्शियस माइंड तक चीजें पहुंचाने के लिए एक तो लॉजिकल रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशंस टू द कॉन्शियस माइंड पहला चीज, नंबर दो बार 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 रिपीटेशंस, और नंबर तीन सम्मोहन उपचार मतलब हिप्नोटिज्म हिप्नोसिस करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना। मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि घर मतलब यह है सबकॉन्शियस माइंड, पहरेदार जो है वो है कॉन्शियस माइंड। तभी पहरेदार को हमको एक तो बातचीत करके लॉजिकल बात करके एक्सप्लेन करके उसको समझाना पड़ेगा कि हमको घर के अंदर जाने दो, एक तो वो चीज हो गई। नंबर दो बार 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 उसको अफर्मेशन या बार बार हैमरिंग करते रहते हैं और उसको बोलेंगे तो फिर वो हमको अंदर जाने देंगे घर में। या तीसरा उसका मन जो है वो कहीं भटक के मतलब उसको विचलित करते हैं, उसका मन विचलित करके वो इधर उधर निकल जाता है और फिर हम अंदर घर के जा सकते हैं, घर के अंदर हम जा सकते हैं। तो इस तरह से हम सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है 90% ऑफ अवर टोटल माइंड इज सबकॉन्शियस माइंड, तो वो इसका इस्तेमाल करके अल्टीमेटली हमको कंट्रोल करने वाला कौन है, सबकॉन्शियस माइंड। तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस्तेमाल करके उसका उपयोग करके वापर करके
वो हमारे जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कोई बीमारी है हमको तो वो खुद बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है, उसको आप विजिट करो। यूट्यूब में मेरे काफी सारे वीडियोज है, फेसबुक के मैं पेज के ऊपर हूँ, तो वहां लाइक कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप मुझे फोन कर सकते हैं, ताकि ये लोगों को आप जब शेयर करेंगे ना तो लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और लोग भी अपना जीवन अच्छा बिता सकेंगे, वो भी उनका जीवन पावरफुली और एबली बिता सकेंगे। तो इसके लिए हम आपको बार बार जो अलग अलग वेबसाइट्स या यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से आप इसका प्रचार और प्रसार करें और इसके बारे में अधिक जानकारी हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।